वेलकम, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन का उद्देश्य कैसा तय करना चाहिए और जीवन का उद्देश्य यदि साफ रहे तो क्या संभव है, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में ठाणा पुणे और नागपुर यहाँ प्रैक्टिस करते, हमारा हॉस्पिटल है। अकोला में हम मनोविकार तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और बिना रिश्तेदार भी भर्ती करते हैं। लोग भटक जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं कि हमें करना क्या है, लोगों के सामने उनके जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना, उसको जो है वो महत्व देना, उसको पसंद करना, उसका स्वीकार करना, यह बहुत जरूरी है। वो जीवन का उद्देश्य है उसको सम्मान देना, और वो यदि सम्मान देते हैं वो साफ रहता है, वो क्लियर होता है उसे करना क्या है जीवन में, यदि साफ है तो हम जिंदगी में सफल ही सफल हो जाएगी। आप ये तय करो कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य आपका क्लियर हो गया, वो पर्पज़ यदि क्लियर है, आप उसको तीव्र भावना से उसका पीछा कर रहे हैं, बेधुंध होकर उसका पीछा कर रहे हैं, उत्साह के साथ में उसका पीछा कर रहे, लगे रहे उसके साथ में, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जीवन में सफल ही सफल हो जाएंगे। जीवन का उद्देश्य यदि आपके सामने नहीं है तो आप भटक जाओगे। जीवन का उद्देश्य रहना, इसका मतलब जो काम के ऊपर आप प्यार करते हैं वो काम करना, जो अच्छा कर सकते हैं वो करना, जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वो करना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदेमंद रहेगा वो काम करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वो तय करो, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी पूरी एक्टिविटीज़, पूरी क्रिया आपकी उसके सराउंडिंग में, उसके अगल बगल उसकी योजना बना के उसका स्वीकार करके उसका पीछा करो। मतलब जीवन का उद्देश्य तय करो और आपका पूरा जीवन उसके अगल बगल अरेंज कर लो, उसका प्लानिंग करो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने सीढ़ी लगाई हुई दीवार के ऊपर, आप तेजी से चढ़ रहे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे, और ऊपर जाके जब दीवार के ऊपर आप पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो गलत दीवार के ऊपर सीढ़ी लगाई थी, सीढ़ी ही गलत दीवार के ऊपर लगाई थी, मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं था। हम बोलते हैं हम बिजी है, टाइम नहीं है, समय नहीं है और बहुत बिजी है, और बाद में मालूम होता है कि अरे मैंने टाइम गंवा दिया, मुझे तो ये करना ही नहीं था। अब ये देखो कि आप बिना पैसे का, यदि आपको पैसे नहीं मिलते हैं तभी भी आप कौन सा काम कर सकते हैं या कर सकेंगे, जहाँ से आपको कोई भी एप्रिसिएशन नहीं है, आपको कोई बख्शीश मिलने वाला नहीं है, कोई आपका रिकॉग्निशन नहीं है, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, और तभी भी आप वो काम करें, ऐसा कौन सा काम है? वो काम करने में आपको मजा आएगा, ऐसा कौन सा काम है? वो काम करने में आप थकेंगे नहीं, आप भूखे प्यासे वो काम करते रहेंगे, ऐसा कौन सा काम है? और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा होगा, ऐसा कौन सा काम है वो देखो, और वो आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। पैशनेटली एंथुजियास्टिकली आप वो काम करते हैं, और वो काम करते करते यदि आपकी उन्नति होती है, आपकी तरक्की होती है, आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी लर्निंग होती है, और उसका आपको पैसा भी मिलता है, बहुत ही अच्छा है। तो कौन सा काम करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, कौन सा काम करने से आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको आनंद मिलेगा, यह आपको समझ में आया तो आपके जीवन का उद्देश्य जो है ना वो साफ हो जाएगा। यदि वो तय करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन में बैठो, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटे बैठो और सोचो, एकदम रिलैक्स बैठ के सोचो कि ऐसा कौन सा काम है कि जो काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा, आनंद मिलेगा, ऐसा कौन सा काम है कि जो काम करने से मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा तभी मैं वो काम करते रहूँगा, ऐसा कौन सा काम है कि जहाँ मुझे अप्रिसिएशन, रिवार्ड, अवार्ड कुछ भी नहीं मिलेगा तभी मैं काम करूँगा, ऐसा कौन सा काम है कि मैं वो काम करते मैं थकूंगा भी नहीं, भूख प्यास भी लगेगी नहीं, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, और उसके साथ साथ पैसा मिला तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा जीवन का उद्देश्य तय करो और देखो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सफल हो जाएगी। आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप वो गिनना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप गिन भी नहीं सकेंगे। तो ये जीवन का उद्देश्य तय करो और देखिए कि आपके जीवन में क्या संभव है।
काफी लोगों को जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है। आपके आसपास बगल में ऐसे काफी सारे लोग होंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये पता लगा है, आप आपके मित्र परिवार में, आपके संपर्क में आने वाले लोगों के साथ में, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर आप ये शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो। लोग यदि आपके आजू बाजू के दोस्त लोग, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करोगे, यदि जीवन का उद्देश्य तय कर पाएंगे ना, तो देखो हमारे देश की तरक्की हो जाएगी। क्योंकि लोग बेधुन होकर काम करेंगे, पैशनेटली काम करेंगे, एंथुजियास्टिकली काम करेंगे, लोगों को भी मज़ा आएगा और बहुत सारा पैसा भी लोग कमाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।